नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश। आज मैं आपको आरबीआई के सबसे नए सिक्कों के बारे में जानकारी दूंगा। आरबीआई ने हाल फिलहाल में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों को इशू किया है। हाँ, आपने सही सुना, अब बाज़ार में 20 रुपये के सिक्के भी दिखाई देंगे। पर यह पहली बार नहीं है जब आरबीआई ने 20 रुपए के सिक्कों को इशू किया हो। इससे पहले भी 7 बार आरबीआई ने 20 रुपए के सिक्कों को इशू किया था। आज के वीडियो में हम उनकी भी जानकारी लेंगे। तो यही वो 4 सिक्के हैं जिनका इशू हाल फिलहाल में आरबीआई ने किया है। ये 2 रुपए का सिक्का है जो कि 2019 में आया था, और ये 5 रुपए का सिक्का है जो भी जो 2019 में आया था, और उसके साथ में 2019 में 10 रुपए का सिक्का भी इशू किया गया था, और 2020 में 20 रुपए का सिक्का इशू किया गया है जो कि दिखने में बिल्कुल 10 रुपए के सिक्के जैसा ही है। ये भी बायमेटलिक है, 2 तरह के मेटल्स इसमें यूज़ किए गए हैं। और ये जो 2 रुपए का सिक्का है ये स्टेनलेस स्टील धातु का है, और इसका वेट 4.07 ग्राम है। ये 23 मिलीमीटर का डायमीटर है, और ये जो 5 रुपए का कॉइन है ये निकल ब्रास का है। ये 2019 में इशू किया गया था, और इसका वेट है 6.74 ग्राम्स, और इसका डायमीटर है 25 mm, जो कि नॉर्मल 5 रुपए के सिक्के जो आप बाज़ार में देखेंगे उसके डायमीटर का है। फिर ये जो 10 रुपए का सिक्का जो 2019 में इशू किया गया था ये बायमेटलिक है। इसके सेंटर में कॉपर निकल है और रिंग में एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है। 20 रुपए के सिक्के में बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका वेट 7.74 ग्राम्स है, और डायमीटर 27 mm है, और ये जो 20 रुपए का सिक्का है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बायमेटलिक है। पर 10 रुपए के सिक्के की जो मेटल कंपोजिशन है, जो अलॉय की कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके सेंटर में एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है और रिंग में कॉपर निकल है। इसका वेट 8.65 ग्राम्स है, और ये भी 27 मिलीमीटर का ही है, जो कि एकदम उसी साइज़ का है जो 10 रुपए का सिक्का है। पर चूँकि ये थोड़ा सा वेट में थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.9 ग्राम्स ज़्यादा है, तो इसकी थिकनेस जो है वो 10 रुपए के कॉइन से थोड़ी सी ज़्यादा है। और दूसरी बात, इस 20 रुपए के सिक्के की यूनिकनेस ये है कि बाकी जो 3 कॉइन्स है ये राउंड शेप में है, पर ये राउंड शेप नहीं है। इसे डोडेकागोनल कहते हैं, मतलब इसके 12 एजेस हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके एजेस आपको दिखाई देंगे, जो कि 10 रुपए के कॉइन और 2 और 5 रुपए के कॉइन में एजेस बने नहीं दिखाई देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पहली बार नहीं है कि आरबीआई ने 20 रुपए के सिक्कों को इशू किया है। इससे पहले भी 7 बार 20 रुपए के सिक्के इशू किए गए थे। सबसे पहली बार 1973 में 1973 में 20 रुपए का सिक्का बाज़ार में आया था। वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो मोर फूड को समर्पित था। फिर 1985 में 1985 में श्रीमती इंदिरा गांधी के डेथ को कमेमोरेट करने के लिए 20 रुपए का सिक्का इशू किया गया था। और उसके बाद
1986 में 1986 में 20 रुपये का सिक्का इशू हुआ था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फिशरीज को डेडिकेटेड था वो कॉइन। और उसके बाद 1987 में फिर से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल फार्मर्स नाम की एक 20 रुपये का एक 20 रुपये का सिक्का इशू किया गया था। फिर उसके बाद 1989 में 1989 में 20 रुपये का सिक्का इशू हुआ था जवाहरलाल नेहरू के 100th बर्थ एनिवर्सरी पर। और उसके बाद 2014 में दो सिक्के 20 रुपये के इशू हुए थे। पहला था आचार्य तुलसी के बर्थ सेंटेनरी पे और दूसरा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 125th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो जो आरबीआई के नए सिक्कों पर था। और हम इस वीडियो में पुराने 20 रुपये के सिक्कों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हम लोगों ने किया। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।